उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। पाकिस्तान पहली दफा एक ऐसे फिक्स में आया है कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा इधर या इधर। 78.3 बिलियन डॉलर जो है, अरब रुपए डॉलर जो है, इसकी इमदाद हमको मिली है। ये कभी अच्छी रही, कभी बुरी रही, कभी कुछ इधर चलता रहा हमारे साथ। ये 1965 की पहली दफा हमारा मसला हुआ। हमारी भारत से जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने हमारे पर पाबंदियां लगाई। नंबर एक पाबंदी ये लगाई, इकोनॉमिक सैंक्शन। नंबर दो मिलिट्री इक्विपमेंट सैंक्शन। और उसके बाद आप देखें कि हमें कहा गया कि तुम ऐसा नहीं करोगे आइंदा किसी तौर पर, क्योंकि हमने तुम्हें पैसे दिए थे कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए, इंडिया से लड़ने के लिए। सर, ये जो नया बिल पेश हुआ है अमेरिकी सेनेट के अंदर, इसके हवाले से बात करते हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया साजिद तारड़ साहब, जो रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा हैं और साबिक सदर ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते रहे। और ये जो बिल पेश हुआ है इसके अंदर भी कहा जा रहा है कुछ अक्सरियत है रिपब्लिकन्स की है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहां पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, तो वो किस तरीके से अपना काम कर रही है इस बिल को रोकने के लिए और आया हम बात करने के लिए, और इनको कहां कहां पे कमी का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कमजोरी कहां है। जी उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है। और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसके अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है। और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है, लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक ऊपर शो करके गए हैं, उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हॉस्टेज की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी है, हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। और उनकी एक ला, मेरा मतलब उनका, यहां तक देखें कि बाइडन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वाशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खास साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी, हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, दोहा तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी। दरअसल बताइएगा, अभी पाटिल साहब भी हमें बता रहे थे कि हमें लॉबिंग की सख्त जरूरत है इस बिल का रास्ता, कि बाइडन साहब के इर्द गिर्द इंडियन लॉबी का पूरा घेरा है, तो हम किधर है। दूसरी, इस बिल के अंदर जो भी वो चीजें मांग रहे हैं बेसिकली वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। एक तो बात यह कि 180 डेज में इंक्वायरियां हो नहीं सकती 20 साल की वार की, लेकिन अगर वो एक अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की चीज फाइल की है, तो उसकी मैं नहीं समझता कि आज की डेट के अंदर कोई भी प्रॉपर सिग्निफिकेंस उसकी कोई है। हाँ, अगर इस बिल के ऊपर कोई डेमोक्रेट साइड के ऊपर साइन इन करता है तो वो इस हालत में कभी भी नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी, उसके अंदर लैंग्वेज को चेंज किया, और हो सकता है उसके बाद ये इंक्वायरी की हद तक आगे बढ़ाया जाए। बिल तो अपनी जगह आया, बिल से पहले ये गुज़श्ता 1.5 महीना जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया और उसका तालिबान के साथ एग्रीमेंट से वहां से निकलना और सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है, इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इज ए ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी। देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालने और डराने के लिए नहीं हासिल होगी आगे, लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पर तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा
किसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इसमें दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। कोई दूसरा, मैंने जिस तरह ओनिया साहब पहले आपको बताने की कोशिश की है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर ज्यूइश लॉबी इन वाशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए। और मैं ये और बात बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव स्टेटस दिया था टू डील विद अफगानिस्तान, इंडिया टेबल पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ आए थे ट्रंप पीरियड में, जो प्रेशर आई इमरान खान साहब को इंडिया की इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे और लॉबी के बावजूद थी, आज हम वहां नहीं खड़े। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया, और ये वरी सम है पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली।